पाइप है HDPE, ठीक है ना, HDPE PN10 P100 SDR17। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारा अंदर में जो कॉपर वायर है हीटिंग होकर अच्छे से मेल्ट होकर अच्छे से फिक्स हो सके, इससे लीकेज का चांसेस बहुत कम रहता है। ये हमारा पाइप है 63mm का, कपलर है जिसका वायर 63mm है, इस पर आपको डिटेल्स लिखा हुआ है, देखिए D 63mm। उसके कर लिया, बोथ साइड हम मार्किंग करते हैं ताकि हमारा जो है ये कपलर दोनों के जॉइंट के बीचों बीच अच्छे से फिक्स हो सके। ओके, सो एज यू कैन सी हेयर ऑल डिटेल्स गिवन इन दिस बार कोड नंबर, यू सी दैट स्टिकर हैज गिवन वन बार कोड एंड इट शोज द फ्यूजन टाइम 70 सेकेंड, कूलिंग टाइम 7 मिनट एंड द कपलर साइज यू कैन सी हेयर IC कपलर। ओके, आफ्टर यू फिक्स देन यू स्टार्ट टू फ्यूजन। फर्स्ट वी prepare for fixing this coupler and we have marked here, you can see as both places here and here, because this coupler is going to be in center. Two marking tak ye ho gaya ab idhar ka. Now one side we have fixed, now we are going to fix another side. सकते हैं ये हमारा दोनों मार्किंग जो है, ये दोनों मार्किंग के बीच में हमारा कपड़ा फिक्स हो गया, दोनों का सेंटर, ये जॉइंट यहाँ पे सेंटर पे आ गया। अब लाएंगे मशीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन। Now we fix the both pin here like this. ये अभी आपको ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये हीट होगा उस तरह से ये जो आपका ये दोनों पिन है, ये पिन आपको ऊपर उठता जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब हीटिंग होगा तो ये दो पिन जो है ये आपको ऊपर आता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका फ्यूज़न अच्छे से हो रहा है और अंदर से ये मेल्ट होकर के ये पिन आपको ऊपर आ। अब आप देख सकते हैं रोफ्यूज 400 टर्बो रोथनबर्ग कंपनी की है, फ्यूजन मशीन है। अभी हम इस पर ऑलरेडी हमने पिन डाल दिया है, अभी हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे डाल दिया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यू सी हेयर वेल्डिंग इज नाउ, यू प्रेस हेयर वेल्डिंग। ओके, इनपुट वेल्डर नेम ऑलरेडी मैंने फिट किया हुआ है, उसमें स्कैन साइड कोड हमने ऑलरेडी फिट किया हुआ है, स्कैन फिटिंग कोड। नाउ वी गोइंग टू scan the fitting code with the help of this, pipe prepared. Yes, we have already prepared the pipe. Now we press OK, ready to start. Now we press OK, start. Now welding process is going on. जो मैंने बताया था आपको सेम 70 सेकेंड 40 वोल्ट जो इसमें दिया हुआ है, सेम चीज़ वो बार कोड स्कैन करने को इसमें आता है। अभी वेल्डिंग हमारा चालू हो गया है, इसको पिन लगाओ, चार्ज करो। देखिए अभी हीट हो रहा है, हीटिंग होने के बाद देखिए अब पिन बाहर आ रहा है, ये देखिए हीटिंग कंप्लीट हो चुका हमारा, अभी कूलिंग चालू हो गया, कूलिंग प्रोसेस देखिए। हीटिंग कंप्लीट हो गया, हीटिंग कंप्लीट है। ओके, 20 सेकंड इट टेक फॉर हीटिंग, नाउ कूलिंग विल टेक 7 मिनट्स। Thank you.
अभी हमारा हीटिंग एंड कूलिंग दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मशीन हम बंद कर देंगे, स्टॉप, क्लोज।